देवरी तालुका में एक शादी समारोह में आई 12 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने पुख्ता सबूत के अभाव में घटना की जांच की और 4 विधि संघर्ष बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। 19 अप्रैल को पीड़ित लड़की अपनी बहन के साथ देवरी तालुका के चिसगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गोटनपार गाँव में एक शादी समारोह में शामिल हुई थी और पीड़ित लड़की के दोस्त उसे अपनी बाइक पर बैठा कर वाड़ी का साथ जंगल में ले गए और पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। 20 अप्रैल की सुबह इतर 3 और उसके साथ आए लड़के द्वारा जंगल में खोजबीन की गई तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि पीड़ित लड़की का शव जंगल में दिखा गया है। चूंकि पीड़ित अपने मोबाइल फोन पर कुछ बच्चों से चैट कर रहा था और हत्या का समय भी एक जैसा था, इसलिए पुलिस ने जांच चक्र घुमाया और कानून का उल्लंघन करने वाले 4 बच्चों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। आतापर्यंत गुन्ह्यामध्ये 4 आरोपींना ताब्यात घेतली गेली आहे आणि त्यांना नागपूरमध्ये बाल सुधारगृह आहे तिथे जे ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्ड आहे त्यांनी 17 मे पर्यंत तिथे पाठवलेले आहे। आतापर्यंत माहितीनुसार जे उद्देश आहे ते सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटीचे उद्देश होते आणि त्याच्या दरम्यान काहीतरी भांडण झाले त्याच्यामध्ये आणि ते जे ज्युव्हेनाइल आहे त्यांनी ते कृत्य केले। जे मुलगी होते ते आता स्टँडर्ड 6 होते आणि जे मुलगा होते ते 4 लोक 12th पास आउट होते आणि आता ते सध्या आता ते डिफरेंट शॉप्समध्ये ते जॉब करत होते। अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने ग्रामीणों से ऐसी घटनाओं की जांच में पुलिस को सहयोग करने की चुनौती दी है। अड़चणी असं आले होते की तिकडे काहीतरी CCTV फुटेज न होते किंवा मोबाईलचे नेटवर्क न होते आणि इंटरनेटची सुविधा पण नव्हती आणि जे विलेजर्स होते तिकडे ते जास्त कोऑपरेट केलेले नाही, तर हे सगळे अडचण आले होते। तरी आमचे 40 लोक यामध्ये दिवस रात्री काम केले आणि 6 टीम तयार केले होते आणि ते सगळे टीम एकमेव सोबत कोऑपरेट करून आणि कोऑर्डिनेट करून ते गुन्हा उघड केले आहे। ते जे कलम आहे ते 302/376/363 IPC आणि 4 आणि 6 पॉक्सोचे ॲक्ट। जे 4 लोक होते त्याची वय आहे 17 साल 2 महिने, 17 साल 4 महिने, 17 साल 6 महिने आणि 17 साल 10 महिने। इसलिए इन 4 कानूनी संघर्षरत बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इन बी संदेश के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।